निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी सपा, बूथों को करेगी मजबूत। नगरी निकाय चुनाव परिणाम की समीक्षा के बाद समाजवादी पार्टी नए सिरे से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। सपा बूथवार मिले वोटों की समीक्षा करने के बाद कमजोर बूथों को नए सिरे से मजबूत करेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी जिलों में विधानसभा व क्षेत्रवार चुनाव परिणाम की विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है। सपा ने भी निकाय चुनाव के लिए बड़ी तैयारी की थी। उसने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को खासकर नगर निगम वाले जिलों की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बावजूद 17 नगर निगमों में एक भी मेयर पद पर सफलता नहीं मिली। वर्ष 2017 में जहां उसे 18% मत मिले थे, वहीं इस चुनाव में उसे महज 15% ही वोट मिले हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सपा के विधायक होने के बावजूद पार्टी निकाय चुनाव हार गई। इन हालातों को देखते हुए जब पार्टी नेतृत्व ने विस्तृत चुनाव परिणाम सभी जिलों से मंगाए हैं, इसमें बूथवार पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। पार्टी नेतृत्व ये भी देखेगा कि कहां कहां सपा बहुत कमजोर लड़ी है, उसके वरिष्ठ नेताओं के अपने जिलों में कैसा प्रदर्शन रहा है। चुनाव परिणाम की समीक्षा के बाद पार्टी नए सिरे से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। सपा का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को भाजपा ने किया कलंकित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कलंकित किया है। निर्वाचन आयोग की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है। प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम किया है। जनता इस सच से वाकिफ है और वह इसका करारा जवाब वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देगी। अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय में विधायकों व प्रमुख नेताओं की बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाना है। बूथ स्तर तक पार्टी का मजबूत संगठन बनाकर जनता के दुख दर्द में शरीक होते रहना है। उन्होंने निकाय चुनाव में जीते पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और लगातार संघर्ष कर रहे साथियों का धन्यवाद दिया। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा के 25% सांसदों के क्षेत्र में जनता ने भाजपा प्रत्याशियों को हरा दिया है। लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा की सत्ता पलट देगी। जनता समझ चुकी है कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है।